तो आज अपने बहुत पुराने दोस्त कह लो या फिर अपने स्कूल के दोस्त कह लो, बहुत ही खास दोस्त, उससे मिलने आए हैं आज। और मैं आ चुका हूँ और वो लेट है, अभी बात हो गई, अभी 5 मिनट में आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। तो आ गए अपने दोस्त से मिलने, चिराग चिराग राजपूत से। और अभी चिराग को दिखाता हूँ मैं, चिराग का इंट्रो कराता हूँ। दो लोग और मिसिंग है, उन्हें कभी और मिलाऊंगा। अभी आपको चिराग से मिलवाता हूँ जो बहुत देर के बाद यहाँ पहुँचे। और भाई चिराग, हाँ, इंट्रो कर दो भाई। हाँ, आपकी जो फैन फॉलोइंग है 30-40 लाख लोग। तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपना इंट्रोड्यूस करवाना। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और उसके बाद। अबे बीटेक का इंटरव्यू नहीं है, थोड़ा सही से दे भाई, क्या कर रहा है? रीटेक क्या होता है भाई? चलता रहे भाई, कोई तो चलते हैं। आप देख ही लेंगे। आप क्या देख लेंगे? अपने बारे में बताया हल्की सी चीज़ की कोई अगला बंदा तो ये देख रहा है कि वो क्या करता है। तू क्या करता हूँ? सीधा बोल कि भाई मैं ये करता हूँ, ड्रामा करता हूँ मैं। हाँ, तो ये सुनना चाह रहा है? मैं ये नहीं बोलना चाह रहा, क्योंकि देखो मतलब आज मेरा जो मोटिव है, मेरा बेसिक मोटिव यही है कि थिएटर वाले और कॉमेडी वाले ये हम लोग थोड़े बदनाम से हैं। मैं बता रहा हूँ साफ सीधी बात, रुक जाओ। मैं साफ सीधी बात बता रहा हूँ, ये बंदा करता है ड्रामा। इधर आ जा भाई तू। हाँ। ये बंदा करता है ड्रामा, जैसे DOU में देखा होगा ना, वो तो अलग लेवल होता है। खैर, इनका अलग लेवल ड्रामा है। अब बेसिकली उसकी जो एक कैरेक्टर होता है ना, मतलब थिएटर आर्टिस्ट की जो इमेज होती है, वो थोड़ा ट्राई करेंगे, तुम जानना, देखना और बताना कैसे लगे। भाई हम चलते हैं, बहुत ज़्यादा लग रही है भूख। ठीक है, सबवे आए हम। ठीक है, दिखा देता हूँ एक सेकेंड। सबवे चलो। तो आपको लगेगा कि आपके हाथ में किसी सॉस लगे तो आपको चाटने का मन करेगा, लेकिन आपको चाटना नहीं है। फूड ब्लॉगर है, फूड ब्लॉगर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे बन सकते। क्लासी फूड ब्लॉगर है मान लो। ये मान लो तेरे हैं कम से कम 15 मिलियन सब्सक्राइबर। 15 मिलियन सब्सक्राइबर मतलब पता है कि हमारे डाउन टू अर्थ आदमी। हम शो ऑफ नहीं करते, हम दिखाएंगे कि तुम जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो से स्टार्ट करेंगे और तुम्हें सिखा देंगे कि अगली वीडियो तुम ही बना दो। ठीक है, चल चल। सांस लग गई है तो आपको चाटने नहीं है, आपको उससे पूछ देंगे। ओ वाओ, ये तो फेस पे एकदम खिलावा गुलाल आना चाहिए। वाओ यार, कुछ आता भी नहीं है इसके। हाँ, कि मतलब देख के कि तुम्हें एस्टोनिशिंग सा कुछ देखने को मिला। तो जो प्याज गिरती है उसे खा के बताएं कि प्याज करा रही है और ज़्यादा तेज नहीं है, मीठी प्याज है। मीठी है, ओके। उसके बाद आपको थोड़ी तहजीब दिखानी है और टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ पूछने। ठीक है, उसके बाद ही आप इसके ब्रेड को उठाएं और उसके आप दिखाएं कैमरे को, प्लीज़ आयरन थोड़ा पास में। आप दिखाएं कि क्या के अंदर क्या क्या है। क्या क्या है इसमें आपने बताओ? देखो ये बताने वाली बात नहीं, देख समझने वाली है। समझने वाली बात है, अब तुम खाने वाली बात है, तुम्हें जी को स्वाद आना चाहिए। ओके, जी है ना, तो ये वाली बात नहीं। टेस्ट रिव्यू करेंगे या क्या? मुझे भूख लग रही बहुत तेज। हाँ बस मैं खा के बताता हूँ। गंदा होगा तो भी। दो गहरी सांसें, जैसे आपको एकदम ही पहला कश मार दिया हो तुमने, और ऐसा बताना है कि माय गॉड इट्स सो डिलीशियस, यू नो यू मस्ट ट्राई दिस। तो मतलब कितने रिव्यू देना चाहेंगे? वैसे बनवाया तो मैंने, पर कितने रिव्यू देना चाहेंगे? बनवाया इसने, उसकी लाइन बोल दी ना, इसलिए मैं उसका एक नंबर काट रहा हूँ। हाँ। तो मैं 10 में से 9 दे दूंगा। 10 में से 9 मतलब अच्छा बना हुआ है। अच्छा, जनरल इंसान की मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, कि जनरल इंसान में कमी निकालता है ये ऐसा दा। इंसान की फितरत कमी निकालनी है। कमी निकालनी है, ये बात तो है। वो जो चीज़ मिलेगी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसमें बताया कमी निकालेगा, और चाहे वो कितनी अच्छी हो, वो कितनी अच्छी हो यार, ये और हो जाता। दूसरे लोग उसको तारीफ करते हैं, भाई कितना पिकी आदमी है, सो नेचुरल थिंकर, यू नो, जो सोचता बोल दे। जाइए अब आर्यन स्टार्ट करेंगे खाना। मेरा टेस्ट रिव्यू कुछ नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। देखो सिंपल सा सीधा, लो और खाओ, नहीं पसंद आया तो वापस कर दो। वापस कर दो, बहुत पैसा आ रहा तेरे साथ। कॉलेज में कोई सुंदर लड़कियां नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ सुंदर लड़कियां हम भी यही कह देती है बीटेक वाले लड़कों को।
बेटर लक नेक्स्ट टाइम दिखा। चिराग भाई एक बार बात बता दे कि हाँ। जो व्यूअर्स देख रहे हैं, एक सेकंड रुक जा। हाँ जो व्यूअर्स देख रहे हैं तो काफी लोग हैं जो सिंगल हैं। अब जैसे तू कमिटेड है, हाँ हाँ ठीक है, तो तू कुछ एडवाइस देगी कैसे, मतलब? नहीं मैं कमिटेड हूँ, ये क्वेश्चन ये डाउट नहीं, कैसे? नहीं नहीं तू बता, तू चल चलते हुए बात करते यार। हाँ बता। देखो ये बहुत ही गहरी बातें होती हैं, कुछ कुछ बातें हम करेंगे। गाड़ी में गाड़ी कहाँ है? गाड़ी आ गया। तो ये बता मतलब कैसे कमिटेड कैसे होना है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखो पहला स्टेप जो कि मेरी नजरों में, हाँ। तो कैमरा देख तो ना, हाँ। साले हाथी सा तो है। अच्छा अब तो फर्स्ट स्टेप मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, हाँ। कि तो ओरिजिनल बन के रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कि अच्छा। मान लो ना कि किसी को अगर आम नहीं पसंद तो, हाँ। तुम अगर सेब हो तो तुम सेब के आने का इंतजार करो ना, जिसको सेब पसंद हो। ये बात अब तुम आम वाले को जबरदस्ती सेब बेचोगे, अब चाहे तुम कितने कह दोगे नहीं हम तो कश्मीर के हैं, हम तो यहाँ के हैं, हम बहुत सस्ते हैं। अब नहीं ना, अपने जिसको एप्पल पसंद है उसका वेट करो बस, ये बात है। पहला पहला स्टेप यही होना चाहिए। तो देखो ठीक है, क्लियर है। हाँ। तो आर्यन भाई, हाँ। एक डाउट कह लो या फिर कुछ भी कह लो, मेरे मन में बात थी तेरी। हाँ, क्या थी? कि यार मतलब तुमने तो देखो अपना सेट कर लिया सब। क्या सेट कर लिया पहले बता दे भाई, सब देखते हैं, उन्हें गलत फहमी लग जाती है कि भाई अगले ने बना लिए। नहीं नहीं बनाने वाली बात नहीं, देखो यार वो सब बातें ना हम करेंगे प्राइवेटली, तुम्हें दिखाएंगे भी दिखाएंगे, बनेगी भी तो क्यों बताऊंगा। हाँ तो सही बात है ना, वो जो तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है तो हम संपत्ति मत दिखाओ पहली बात। भाई अपना कितना सेट हो चुका है, मैं तगड़ी बॉडी बना ली मेरे भाई ने। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि तू बता कि तेरे क्या एडवांटेजेस रहे, कि मतलब भाई एडवांटेजेस तो कुछ नहीं हो, बस यही आते लड़कों के मैसेज आते हैं, लड़कियों की डाइट बता दे भाई, बस यही आते हैं। ये तो बताने वाली बात है भाई, ये मिसकंसेप्शन होता है, मैं बता देता हूँ सबको यहाँ पर, कि जो सोचते हैं ना कि जिम जाके भाई बॉडी बन गई और लड़कियाँ, तो भाई आई लव यू से ज़्यादा हमें डाइट बता देंगे मैसेज आते हैं, और आई लव यू आते हैं आप जैसे लड़कों को एक तगड़ी सी वो मार दे कि मतलब दिल में तीर लग जाए, जो भी देख रहा हो ना, हाँ। लड़का है लड़की उसके दिल में तीर लग जाए। अच्छा एक इंसिडेंट सुनाता हूँ, कि क्या बात है, एक मेरे फेस्ट की बात है। तो क्या था कि रात हो गई थी, तो मैं अपने फ्रेंड के फ्लैट पर रुक गया था। तो हम छः लोग बैठे थे उस रूम में, मतलब हम पांच लोग थे, तो एक छठी लड़की आती है हमारे फ्लैट में, और मैं और मेरा दोस्त होता है और उसकी तीन दोस्त होती हैं, तीन लड़कियाँ दोस्त होती हैं, छः पांच लोग हम पांच चूते होते हैं, है ना। तो उसकी मतलब उन तीन लड़कियों की म्यूचुअल होती है, हाँ। वो आती है, चार हो जाती है लड़कियाँ तो, हाँ हो नहीं जाती, वो बस एंट्री लेती हैं, और वो कुछ बात बात करके और करीब आधा घंटा स्पेंड करके कि मतलब फ्रेश फ्रेश होकर वो सब चली जाती है। और उसके बाद मैं भी उस रूम में होता हूँ, और फिर मतलब यार वो वाली लड़कियाँ नहीं होती, तुमने देखी होंगी कि जिसके पीछे मतलब आधा कॉलेज तो छोड़ो, उसके बाद तीन चार मास्टर भी लगे होते हैं। तो उस इतनी प्यारी लड़की वो आई थी, और वो मतलब ऐसे करके निकल गए, तो उसने हमें कहाँ ही देखा होगा या फिर हमें, और मुझे उम्मीद भी नहीं अपना मेरा कि फर्स्ट इंप्रेशन या फिर हमारा कुछ फर्स्ट आइस ब्रेक हो बहुत तकड़ी सी। अपन का जो चलता है ना लॉन्ग टर्म में चलता है, पहले में बिल्ड करना पड़ता है। हाँ बिल्ड करना पड़ता है, क्योंकि हम इस शक्ल के साथ और इन बालों के साथ और इस चौड़ाई और लंबाई के साथ तो होता नहीं। सही बता रहा हूँ भाई। तो अपन और चीज़ें कि मतलब एक तहजीब, एक तमीज़, एक बोलने वाली चीज़, और एक मतलब और जितनी चीज़ें मैंने अपने में बिल्ड करी, बेसिकली क्या वो आई और वो आधे स्पेंड फेंड करके चली गई। तो भगवान ने क्या ही चक्कर घुमाया कि बातचीत हो गई उस लड़की से, और ऐसी हंसी मजाक में काफ़ी अच्छी दोस्त है। तो वो पूछती कि तू भी था क्या उस रूम में उस दिन? तो वो बात मैं बस सुनी और उसका था इनका, हाँ हाँ हाँ, तुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता नहीं, हाँ तू आई तो थी, मैंने देखा था लेकिन मुझे याद नहीं करी, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं, वैसी ऑब्लिवियसली हो गई कि तू था ही नहीं। और अपन देखो उस टाइम, अपन उस टाइम मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा था, मेरा ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हो रहा था मेरा वो ईयरफोन, मैं अपना उसमें लगने गई। तो ये शक्ति की डेफिनेशन है, जो शक्ति जो तुमने जो चूतिया बना रखा है ना, क्या क्या सख्त लौंडे, सख्त लौंडे, सख्त लौंडे ऐसे नहीं होते कि बस, हाँ हाँ सख्त लौंडे साले रिजेक्ट रिजेक्ट हो जाते हैं ना जो लड़के, वो भी अपने आप को सख्त कहते हैं कि भाई हम सिंगल है, मैं रिजेक्ट हुए हो तुम सख्त कहाँ से हो तुम, वही तो बहुत मिसकंसेप्शन है। तो वो शक्ति है कि अपने को पता है अपना होना नहीं, तो अपन अपना ब्लूटूथ से अपने वायर कनेक्ट करने में लगे हुए हैं, हमें पता भी नहीं कि आ रही है जा रही है। तो वही देख कहना था कि रिजेक्शन को ऐसे मतलब कि यार अपने तक ही रखो उस चीज़ को, और अपने तक ही इसको बिल्ड कराओ, ये नहीं कि उसने रिजेक्ट या फिर तुम ऐसे इग्नोर हो गए तो तुम अब दूसरी चीज़ों पे वो डाल रहे हो कि नहीं अब तो हम फर्स्ट नज़र में ही इंप्रेस होंगे, नहीं नहीं हो तो ठीक है ना, दूसरी चीज़ों पर मेहनत करो, अगली बार जब तुमसे बात हो किसी की तो तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि यार हाँ
बात हो गई ना, चलो पहली बार देखा तो शायद पहली बार में मैं मिस हो गया, लेकिन दूसरी बार पकड़ा ना भाई, मुझे लग रहा है ब्लॉग चैनल से भी आरएन के लव टिप्स करना पड़ेगा। अपनी ये अब एंड कर रहे हैं ब्लॉग को, और अपनी ये एक उससे लिखी हुई हम लिखते हैं भाई, पोइट है अपने शायर क्या और क्या है राइटर, राइटर है तो बता राइटर क्या मतलब, अपन वो सारे काम करते हैं जो दिल को खुश करे। बता बता तो ये उस जमाने की बात है यार, जब हम भी कभी आशिक बात करते थे उस जमाने की, साले 20 साल के तुम हो चुपचाप पॉइंट पे। हां ठीक है, तो ये लिखा था कि थोड़ी पहल तुम कर देना, थोड़ा इजहार मैं भी कर दूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि इश्क दोनों तरफ से अधूरा रह जाए। माइक ड्रॉप, बाय।